देखो आज अपन विद्युत केबल के बारे में जानेंगे। ये है अपनी विद्युत केबल जो हाई वोल्टेज के अंदर काम में ली जाती है। इस केबल के भागों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ये कंडक्टर है चालक, और इसके चालक के ऊपर जो ये लगा हुआ है ये इंसुलेशन है जो पीवीसी या रबड़ का है, और इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो लेड का बना होता है, इसको कहते हैं अपन बेडिंग। क्या कहते हैं इस पार्ट को? बेडिंग भाग है। और इसके ऊपर ये जो पत्तियां दिख रही है जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसको कहते हैं अपन आर्मरिंग का नाम, आर्मरिंग भाग है, आर्मरिंग भाग है। और इसके ऊपर ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं अपन सर्विंग। क्या कहते हैं? सर्विंग। तो हम इन सभी भागों के कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर्विंग। सर्विंग क्या है? सर्विंग इस के अंदर जो कंडक्टर होते हैं, ये फोर कोर केबल है, ये फोर कोर केबल है। इस फोर कोर केबल के चालकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और इसके कंडक्टरों को, इंसुलेशनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना भी इसको अपन कह सकते हैं, सर्विंग का काम होता है, जो रबर का बना होता है लेड का भी बना हो सकता है। दूसरा भाग है इसका जिसको अपन ने बताया था, ये आर्मरिंग करना, ठीक है। तो ये आर्मरिंग करना है, ये जो आपको पत्तियां दिख रही है इस तरह की, ये जो पत्तियां दिख रही है ना आपको, ये वाली पत्तियां, ये पत्तियां है एल्यूमिनियम की बनी हुई है, या ये हो सकती है वल्केनाइज्ड, वल्केनाइज्ड रबर, तो इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसके ऊपर जो ये पत्तियां हैं इनके बारे में बता रहा था, या तो ये हो सकती है किसकी एल्यूमिनियम, या फिर हो सकती है किसकी गैल्वेनाइज आयरन, ठीक है। तो आर्मरिंग का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो कंडक्टर होते हैं उनको मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि इसके ऊपर तार का प्रभाव कोई फिट नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर अपन मैकेनिकल कोई छोड़ देंगे, ठीक है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्मरिंग का काम। फिर इसके बाद में ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये लेड का बना होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो चालक है उनके इंसुलेशन को ये क्या करता है, नमी से और ताप के प्रभाव से और मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि ये शॉर्ट सर्किट होने नहीं देता है इनको, ठीक है, खराब नहीं होने देता इनके जो चालक होते हैं ना, इनके इंसुलेशन को ये खराब नहीं होने देता है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन ये चालक के ऊपर ये अलग अलग कलर कोड का ये इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन है जो चालक को शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता इन चारों चालकों को, ये फोर कोर केबल है, इन चारों कोरों को ये क्या है, शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता है, ठीक है। तो फिर अपन इसके देखते हैं ये चालक, तो यहाँ पर जो ये केबल है, इस केबल के अंदर अपन कौन सा है? जो चालक प्रयोग कर रहे हैं, चालक का नाम क्या है इसमें, एल्यूमिनियम। ये क्या है, एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पर अपन कॉपर का भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये जो केबल है ये ट्रांसमिशन लाइनों में काम में ज्यादा लेंगे इसको अपन, है ना, क्योंकि ये सस्ती भी है, ठीक है, और सही है। देखो ये देखो कितनी मजबूत है ये केबल, मजबूत है ना। तो अब देखो इसके बारे में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। आज जो हमने बताया है, आज आपको हमने बताया है इसके बारे में आपके समझ में आया? तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ लें, ठीक है। तो चलो आप बताओ इसको क्या कहते हैं, ये जो ये पत्तियां डली हुई है इसका, ये कौन सा भाग है केबल का? आर्मरिंग भाग का काम क्या होता है? यांत्रिक चोटों से अच्छा। चलो आप बताओ ये चालक किस धातु का बना होता है? चालक एल्यूमिनियम का। चलो आप बताओ ये ऊपर का भाग क्या है? सर्विंग। क्या काम करता है ये सर्विंग? ये केबल को है ना नमी से बचाता और नमी से बचाता, और आप बता सकते हो मैकेनिक चोर से भी। आप बताओ देखिए सर्विंग के बारे में, आप बताओ सर्विंग क्या है?
ये धूप से वर्षा से बचाता है। हाँ सही बात है, धूप से सुरक्षा प्रदान करता है। किसकी बनी होती है ये? सर्विंग नहीं, सर्विंग तो भाग है, बनी किसकी होती है? और आप बताइए किसकी बनी है? नंबर की। चलो ठीक है। और इसके अंदर ये जो दूसरा वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला सर। इस पार्ट को क्या कहते हैं? बेडिंग। हाँ? बेडिंग। ये किसकी बनी होती है? ये सर लेड की बनी, लेड की बनी होती है। क्या काम करती है ये सर? ये इंसुलेशन को सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा चलो ठीक है, सभी ने आपने आज इसके बारे में, केबल के बारे में जाना और अच्छा समझने का प्रयास भी किया, कुछ आपने जवाब देना भी पसंद, हमारे को पसंद आया, आपके समझ में आया है।